एंड बाइकॉनकेव शेप जैसे आपका लेंस होता है बाइकॉनकेव लेंस वैसा दिस इज रेड इन कलर और आर बी सी रेड कलर के क्यों होते हैं क्यों क्योंकि उनके पास हीमोग्लोबिन होता है हीमोग्लोबिन इज दी रेस्पिरेटरी पिगमेंट रिमेंबर दैट इट्स अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है डब्ल्यू बी सी के पास हीमोग्लोबिन नहीं होता तो ये कलरलेस होता है एंड प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कलरलेस लाइफ स्पैन देखा जाए इनका तो दिस इज दी वन ट्वेंटी डेज का होता है लाइफ स्पैन आर बी सी का यानी कि सिर्फ वन ट्वेंटी डेज तक ही सर्वाइव कर सकता है ये फ्यू वीक्स तक सर्वाइव करते हैं और ये सेवरल डेज तक सर्वाइव कर सकते हैं मतलब कि अगर आज आपके आर बी सी फॉर्म हुई है तो कम से कम वन ट्वेंटी डेज तक वो सर्वाइव करेगी उसके बाद वो स्प्लीन में जा के डिस्ट्रॉय हो जाती है इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवी आर्ट भी बोला जाता है क्लियर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दी कि वॉट आर दी फंक्शन ऑफ दीज थ्री द बेसिक फंक्शन ऑफ द आर बी सी इज हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशफ़ ऑक्सीजन इट्स नॉट अबाउट दी ओनली ऑक्सीजन इवन द फूड मटीरियल एंड दी वेस्ट मटीरियल इन सब का सी ओ टू का इन सब का ट्रांसपोर्टेशन का काम आर बी सी करता है क्लियर डब्ल्यू बी सीज आर दी सोल्जर ऑफ आर बॉडी तो इनका काम होता है फाइट अगेंस्ट द जर्म्स जर्म्स को किल करने में हेल्प करता है एंड प्लेटेलेट्स इज द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जब भी हमें कहीं इंजरी होती है कहीं पर भी चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा कि थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है वहाँ पर ब्लड जो है वो क्लॉट होने लग जाता है रन नहीं कर रहा होता तो अगर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है क्लॉट हो रहा है तो जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स क्लियर ओके ओके तो द फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज द ब्लड फिनिश्ड एंड द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज दार्ट तो जो हार्ट है अब हम हार्ट के बारे में एक ब्रीफली डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं उसके बाद इसको डिटेल्ड इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी अगर हम बहुत बेसिक पढ़ें तो हार्ट जो होता है अगर मैं हार्ट को देखूं तो हार्ट जो है इट्स बेसिकली फोर चैम्बर्ड हार्ट क्लियर तो अगर मैं देखूँ दिस इज दी राइट साइड तो ये राइट साइड हो गए दोनों एंड दिस इज़ दी लेफ्ट साइड ये दोनों लेफ्ट साइड हो गए अपर चैम्बर्स जो है उनको बोलते हैं ऑरिकल्स क्या बोलेंगे उनको औरिकल्स क्लियर तो ये राइट right ऑरिकल हो गया और ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया ये नीचे वाले जो चैम्बर्स हैं दे आर दी वेंट्रिकल्स तो आर वी और एल वी दैट इज दी वेंट्रिकल्स क्लियर समझ में आया हार्ट हमारे पास फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं अगर हम बात करें हमारे पास स्पाइस की स्पाइसेस यानी कि फिशेस तो उनमें कितने होते हैं टू चैम्बर्ड हार्ट होते हैं क्लियर उसके बाद पाइसेस के बाद आते हैं आपके एम्फीबियंस तो एम्फीबियंस के पास कितना होता है आपके थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है क्लियर रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स के पास भी क्या होते हैं आपके थ्री चैम्बर हार्ट होते हैं क्लियर एव्स बर्ड्स जो होती हैं उनमें क्या होते हैं फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है और ह्यूमन जो है यानी कि दैट अस यानी कि मैमल्स तो मैमल्स के पास क्या होते हैं आपके फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है क्लियर तो फोर चैंबर का मतलब हो गया कि वन टू थ्री फोर फोर चैम्बर हार्ट हो गया हमारे पास क्लियर तो राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल क्लियर ये फोर चैम्बर हार्ट हो गया द राइट साइड जो ये राइट साइड है ये क्या कंटेन करता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड डी ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो ब्लड है वो सी ओ टू से बना हुआ है क्लियर यानी कि उस ब्लड में क्या है सी ओ टू है जो ये वाला है आपका यानी कि लेफ़्ट साइड जो है वो कंटेन करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड मीन्स जिसमें क्या होता है आपका ओ टू मिला हुआ है क्लियर अब इस डी ऑक्सीजनेटेड और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो सेपरेट करने का काम कर रहा है वो कौन है सेप्टम इसको क्या बोलेंगे सेप्टम ये इन दोनों को क्या कर रहा है सेपरेट कर रहा है नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वाई इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों ऐसा ज़रूरी हो गया कि इन दोनों को हमें सेप्टम से सेपरेट करना पड़ रहा है तो इसलिए सेपरेट करना पड़ रहा है क्योंकि अगर ये दोनों मिंगल हो गए ये दोनों मिक्स हो गए तो मिक्स होने पे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगी सॉरी ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाएगा क्लियर और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन अगर कम हो जाएगा तो बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा रिक्वायर होगा तो होगा क्या कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेनटेन नहीं रह पाएगा हम कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे क्लियर तो ये हमारा सेप्टम जो है इन दोनों को सेपरेट करने में हेल्प करता है क्लियर अभी जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सब का सब आता है कहाँ पर राइट right ऑरिकल में सारा का सारा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आएगा राइट right ऑरिकल में और राइट ऑरिकल में जो ब्लड आता है वो कौन लेके आता है वेना कावा कौन लेके आएगा वेना कावा और जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सब आता है कहां पर आपका लेफ्ट ऑरिकल में और कौन लेके आएगा यहां पर पल्मोनरी वे क्लियर अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि हमारे पास चार चैम्बर हार्ट है एंड दैट इज द अपर चैम्बर इज द राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल लोअर चैम्बर्स आर दी राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम दी सेप्टम क्लियर और uh, जो सेप्टम है वो क्यों सेपरेट कर रहा है क्लियर एक चीज़ लास्ट चीज़ और आपको पढ़नी है वॉल्व हार्ट में चार वॉल्व होती हैं एक दो तीन और चार इनका नाम क्या है जो ये वाली वॉल्व है इसका नाम है टी वी ट्राई कस्पिड वॉल्व क्या नाम है ट्राई कस्पिड वॉल्व और यहाँ ये वाली है बी वी कि बाई कस्पिड वॉल्व क्लियर दिस इज दस पी वी सेमी लूनर पल्मोनरी वॉल्व

छोटा सा एक ब्रीफली डिस्क्रिप्शन आपको दिया है एंड लेटर ऑन हम इसको नोट्स के साथ प्रॉपरली स्टडी करेंगे क्लियर विद द प्रॉपर डायग्राम ऑफ द हार्ट ओके थैंक यू